नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकट समय में उद्योग जगत ने सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआईआई राजस्थान इकाई की पहल पर उद्यमियों का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की नहीं आने दी जाएगी कमी। भिवाड़ी के उद्यमी देंगे कोरोना प्रबंधन के लिए 500 ऑक्सीजन सिलेंडर। तो भिलवाड़ा इंडस्ट्री मेंबर्स उपलब्ध करवाएंगे 250 ऑक्सीजन सिलेंडर। वहीं श्री सीमेंट 125 सिलेंडर राज्य सरकार को सौंपने की सहमति दे चुका है। हिंदुस्तान जिंक प्रतिदिन 5 टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगा। एनबीसी उपलब्ध करवाएगी 15 ऑक्सीजन सिलेंडर। जेसीबी इंडिया की तरफ से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर। यूनिटेक इंडस्ट्रीज ने 50 सिलेंडर देने की सहमति दी है। औद्योगिक जगत के इस कदम से कई जिंदगियां बच पाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिंतनीय स्थिति बनती जा रही थी, अब जो औद्योगिक इकाई है वो सामने। अंकित तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, वाकई ये सराहनीय पहल है और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है उसमें ये एक जिस तरह से औद्योगिक इकाइयों की तरफ से ये सिलेंडर दिया जा रहा है, बड़ी मदद के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, ये खबर दिखाती है कि मानवता अभी जिंदा है और सबके सहयोग से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी महामारी को हराया जा सकता है। औद्योगिक सेक्टर ने राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए और खास बात यह है, ये व्यवस्थाओं को ऑक्सीजन मिल रही है। इससे जहां लगातार खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे हैं, वहां पर आसानी से उपलब्ध होंगे, क्योंकि भिवाड़ी की बात करें या अन्य जिलों की बात करें जिनमें ये इंडस्ट्रियां स्थित हैं, वहां पे पास के हॉस्पिटल में सरकार से पहले इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकती हैं। तो ऐसे में एक बड़ी राहत कही जाएगी। सीआईआई राजस्थान की पहल पर उद्यमियों का यह बड़ा फैसला रहा है। राजस्थान सरकार को इन्होंने अपना सहमति पत्र सौंप दिया है और सबसे अहम बात यह है कि बड़ी संख्या में जो मरीज जीवन के संकट से जूझ रहे थे उनको सांस आ सकेगी। तो एक बड़े फैसले के तौर पर यह देखा जा रहा है। और भी कई औद्योगिक संगठन है जो इस पहल में आगे आ रहे हैं। कई सारी इकाइयां हैं जो इंडिविजुअल जिनमें ऑक्सीजन का उपयोग उत्पाद निर्माण प्रक्रिया में होता है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो मरीजों की जान बचाने के काम में आ सकता है। साथ में जो उत्पादन में हम उपयोग ले रहे हैं उसे हम कम करके सबसे पहले मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने भी अपील की थी और तमाम ये प्रबंधन दिखाता है कि हमारे सबके प्रयास से सतर्क रहने से कोरोना महामारी को हराया जाएगा। और जो स्थितियां वर्तमान में प्रदेश में बनी हुई है, तो संसाधनों के इस्तेमाल, उपयोग और उनके संरक्षण के तौर पर भी ऐसी पहल अगर भ्रमशा करें तो जाहिर है किसी तरह की परेशानी राजस्थान में किसी मरीज को होने वाली नहीं है। तो एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने सहमति लेटर के साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार को सौंपने की सहमति दे दी है। बिल्कुल वाकई, और जिस तरह की स्थितियां बनी है हर किसी का ऐसा ही सहयोग अपेक्षित है। और इस तरह से अगर तमाम जो इकाइयां हैं वो सहयोग करती हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान जो लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है उसमें एक बड़ी जीत उसे मिलेगी और कई जिंदगियों को सुरक्षित बचाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री